सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायगा सेलर ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाय दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जायगा सेलर ज्ञान पे मैं हूं मोमिता और आज हम जानेंगे कि आप शॉप क्लूज में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको और रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आप एक बार वो जरूर चेक कर ले हमने अलग से वीडियो बनाए हैं हमारे स्क्रीन पे भी इसका लिंक आ रहा है आप जरूर चेक करें चलिए स्क्रीन पे देखते हैं आप डब्ल्यू ओपन कर सकते हैं और वेबसाइट में आप देखिए राइट हैंड साइड में एकदम ऊपर सेल वी ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे जा सकते हैं या तो फिर आप वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तब देखेंगे मर्चेंट रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन है और यहाँ पे मर्चेंट रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है हाउ टू सेल यहाँ पे नॉर्मली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फिर शॉप क्लूज का एडवांटेजेस है कितने सारे कस्टमर्स है नाइनटी करो नाइन क्रोर्स सॉरी मंथली विजिटर्स है देखिए और भी यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जैसे कि फीस पेमेंट स्कड्यूल टैक्सेस फिर मार्चेंट ट्रेडिंग रिटर्न मैनेजमेंट तो यहाँ पे जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है आप एक बार जरूर चेक कर ले रजिस्ट्रेशन करने से पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टेक्निकल सपोर्ट और सिला सपोर्ट का कांटेक्ट करने के लिए सारे नंबर यहाँ पे उपलब्ध है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं शॉप क्लूज को कोई भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है आपको तो अभी आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बहुत ही सिंपल फॉर्म है यहाँ पे आपको आपका नेम भरना है आपका ऑनलाइन स्टोर नेम भरना है फिर मोबाइल आपको भरना है देना है यहाँ पे, फिर ईमेल आईडी डी यहाँ पर भरना है फिर आपको स्टोर के लिए जो पासवर्ड जिसे आप लॉगिन करेंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना होगा फिर पिन कोड देना होगा आपका फिर पिकअप पिन कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं और फिर यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप जो है सिलेक्ट करना होगा देखिए यहाँ पे बिजनेस टाइप मतलब कि आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है फिर आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए इसके बाद देखिए एक पेज ओपन हुआ है जहाँ पे आपको ओटीपी देना है आपने जो मोबाइल नंबर भरा है अब देखिए यहाँ पे न्यू पेज ओपन हुआ है जहाँ पे आपको और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका कंपनी लीगल नेम आपके ऑनलाइन स्टोर नेम तो वैसे पहले आप दे दिए हैं तो आपको कंपनी लीगल नेम देना होगा फिर कॉन्टेक्ट पर्सन नेम यहाँ पे आपको भरना होगा फिर फ़ोन नंबर यहाँ पे देखिए अगर वेरीफाइड है तो वेरीफाई यहाँ पे आपको करना होगा या फिर वेरीफाइड आएगा आपके मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है तो फिर आपका ई मेल जो है वो भी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा आपकी मेल आई डी पे शॉप से मेल आएगा तो वो आपको ई मेल वेरीफाई करना होगा वो वेरीफिकेशन लिंक को क्लिक करके फिर यहाँ पे देखिए ऑर्डर पिकअप लोकेशन तो आपको यहाँ पे पिकअप एड्रेस भरना है सिटी भरना है स्टेट भरना है और यहाँ पे आपको पिन कोड देना होगा जहाँ से पिकअप होगा वो पिकअप पिन कोड आपको यहाँ पे देना होगा फिर यहाँ पे देखिए आपको स्टोर टाइमिंग भरना है वर्किंग डेज क्या है टाइम कब तक वो ओपन रहती है वो सारे स्टोर टाइम आपको यहाँ पे भरना होगा यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी शॉपक्लूज़ जो है डिफरेंट ऑप्शन शिपिंग के लिए ऑफर करती है कस्टमर को एक है शॉपक्लूज़ वेलोसिटी प्रीमियम दूसरा है शॉपक्लूज वेलोसिटी बेसिक और तीसरा है मर्चेंट डायरेक्ट फुलफिलमेंट तो पहला जो है शॉपक्लूज़ वेलोसिटी प्रीमियम जब आपका ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर के जो भी आइटम्स है वो पिकअप करके अपने फुलफिलमेंट सर्विस में लेके जाएंगे और वहां पे आपके प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होगा शॉप क्लूज फुलफिलमेंट में ही पैक होगा और फिर डिस्पैच होगा कस्टमर को जो करेंटली अभी पैन इंडिया अवेलेबल नहीं है सिर्फ एनसीआर मुंबई और जयपुर में अवेलेबल है दूसरा है दोस्तों शॉप क्लूज वेलिसिटी बेसिक जो सारे सेलर्स के लिए अवेलेबल है तो उसमें क्या है कि आपको ही पैक करना पड़ता है आइटम को और शॉप क्लूज पैकिंग मटेरियल आप यूज करके शिपिंग लेवल लगा के आपको हैंड ओवर करना रहता है वो ऑर्डर शॉप कलूज के कुरियर पार्टनर्स को और तीसरी है दोस्तों मर्चेंट डायरेक्ट फुलफिलमेंट एम डी एफ ये टिपिकली शॉपक्लूज सारे मर्चेंट को ये सर्विस नहीं अलाउ करती है अभी शॉपक्लूज के इन सारे सेलर्स को ये ऑप्शन जो है प्रोवाइड करती है वो है कुछ ऐसे सेलर जो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जैसे कि की कुछ टाइप का प्रोडक्ट जो यूनिक है या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो शॉप क्लूज का जो कुरियर पार्टनर है वो आपके एड्रेस से वो पिकअप नहीं कर सकते हैं तो वो उन सारे सेलर को शॉप क्लूज स्पेशली अलाउ करती है कि अपने कुरियर पार्टनर से ऑर्डर को डिस्पैच कर पाए उसे कहते हैं मर्चेंट डायरेक्ट फुलफिलमेंट आप सेव कर दीजिए देखिए तो यहाँ पे आया है योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्डर पिकअप एड्रेस सक्सेसफुली सेव फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है बैंक डिटेल्स अगर आप पहला जो ऑप्शन है सेलर इन्फॉर्मेशन ये अगर आप सही से सिलेक्ट नहीं करेंगे देखिए जो भी स्टार मार्क्स किया हुआ है अगर आप नहीं भरेंगे तो आगे बैंक डिटेल्स तक भी आपका प्रोसीड नहीं हो पाएगा आगे आप नहीं प्रोसीड कर पाएंगे आगे आप नहीं जा पाएंगे तभी बैंक डिटेल्स में देखिए पैन नंबर आपको भरना होगा नेम ऑफ पैन पैन में जो नेम प्रिंटेड है वो आपको यहाँ पे देना होगा फिर डेट ऑफ बर्थ फिर यहाँ पे आपको मैंशन करना होगा आपका एनुअल टर्न फिर यहाँ पे आपको वैट सी एस टी नंबर देना होगा तो यहाँ पे अभी तो ऑप्शनल है आप दे सकते हैं या बाद में यहाँ पे अभी भी दे सकते हैं या बाद में दे सकते हैं आप फिर आपका बिजनेस एंटिटी क्या है वो भी आपको देना होगा यहाँ पे ऑप्शन है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन फिर आपको सेव एंड गो टू तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा तो ये आगे प्रोसीड आप हो पाएंगे अभी लास्ट ऑप्शन देखिए सर्विस फी एग्रीमेंट तो ये शॉप क्लूज का एग्रीमेंट है जो आपको एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा फिर यहाँ पे सब कैटेगरी भी आपको सिलेक्ट करना होगा फिर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर में कमीशन दिखा रहे हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट में जो सेलिंग फीस है जो शॉप क्लूज का सेलिंग फीस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो रही है फिर यहाँ पे देखिए फुलफिलमेंट सर्विस फीस जो है वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं शॉप क्लूज फुलफिलमेंट सर्विस फीस क्या है यहाँ पे रेगुलर आइटम्स के लिए ट्वेंटी रू, नाइन रुपीज पर आइटम है फिर वेरी स्मॉल आइटम्स के लिए रुपीज सेवन पर आइटम है फिर रिवर्स पिकअप सर्विस के लिए एडिशनल चार्जेस पर लगती है ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है ऑलरेडी फिर पैकेज वेट के हिसाब से आपके प्रिपेड ऑर्डर के लिए फिफ्टी पड़ेगा जीरो फाइव हंड्रेड ग्राम्स के अंदर है आपके प्रोडक्ट का वेट यहाँ पे एमओयू एग्रीमेंट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो शॉपक्लूज के टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको एग्री करना होगा यहाँ पे तो अभी आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है देखिए नेम और आपका ऑनलाइन स्टोर का नेम भी यहाँ पे आ रहा है फिर आप इस इंफॉर्मेशन को आप सेव कर दीजिए अभी देखिए यहाँ पे सेलर इन्फॉर्मेशन बैंक डिटेल सर्विस फ्री एग्रीमेंट सब आप ऑलरेडी डिटेल्स दे दिए है तो यहाँ पे यहाँ पे सब क्लिक मार्क आ रहा है वो है दो प्रोडक्ट्स जो है आपको अपलोड करना है मैन्युअली यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन क्लिक टू अपलोड टू प्रोडक्ट्स एंड सेल टू ओवर टू प्रोडक्स तो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है वो है आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है टू प्रोडक्ट्स आपको मिनिमम अपलोड करना है मैन्युअली आप बल्क लिस्टिंग नहीं कर सकते है वो दो प्रोडक्ट या दस प्रोडक्ट के लिए तो आप दो प्रोडक्ट यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप पहले लिस्ट करें फिर आपका अकाउंट जो है एक्टिव होगा नहीं तो एक्टिव नहीं हो पाएगा तो ये था शॉप क्लूस में आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ओवरव्यू तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका शॉप क्लोज अकाउंट रेडी हो गया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं और आपका कोई भी सवाल है आप वो भी हमसे पूछ लीजिएगा और अगर आप नए हैं इस चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे